ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही पावरफुल मोहिनी मंत्र, जो कि किसी भी साध्य व्यक्ति को आपके वशीभूत कर सकता है सिर्फ एक हफ्ते के भीतर। और ये इतना चमत्कारी है कि पहले ही दिन से आपको असर दिखाना शुरू कर देता है। अब तक मैंने जिस भी साधक को ये दिया, जिस भी जिज्ञासु को ये दिया, उसने इस मंत्र से अपने बिगड़े हुए काम बना लिए हैं। बहुत ही प्रभावी, बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र कार्य करने वाला ये मोहिनी मंत्र है, जो कि किसी को भी आपके सामने नतमस्तक कर सकता है। इसको जब भी प्रयोग में लाएं तो आपको कोई ऐसा मुहूर्त देखना है जो कि इसके अनुकूल हो। सबसे पहले इसको सिद्ध करना होता, सर्वप्रथम इसको सिद्ध करके और उसके बाद जो है इसको प्रयोग में लाएं। मंत्र की सिद्धि बहुत ही सरल है, इसे कोई भी कर सकता है। इसकी सिद्धि के लिए आपको कोई नदी तट, कोई गुफा, कोई ऐसा बीहड़ ढूंढना है जहां पर कि आप एकांत में इस प्रयोग को कर सकें। इस मंत्र का 31,000 बार आपको जाप कर लेना है 15 दिन में 31,000 बार जाप कर लेना है और इससे ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई गुफा, कोई नदी तट या नदी के भीतर अपना आधा शरीर डुबाकर इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। मंत्र को बुधवार शुक्रवार के दिन से प्रारंभ किया जा सकता है। कुछ ऐसा करते हैं कि एक ही जगह पर आपको 31,000 बार इस मंत्र का जाप करना होगा, जिससे कि ये सिद्ध हो जाएगा। और इसके बाद एक छोटी इलायची पर इस मंत्र को आपने उस पर अभिमंत्रित कर देना है 7 बार। और फिर उस इलायची को उसका चूर्ण बनाइए और उस चूर्ण में थोड़ी सी भस्म मिलाइए। वो भस्म किसी की भी हो सकती है, चूल्हे में से उठा लीजिएगा। अगर चूल्हा ना हो घर पर तो आप लकड़ियां जलाइए और उसकी जो भस्म होगी वो इसमें मिला लीजिएगा। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग चूल्हा जलाते थे तो वहाँ से भस्म लिया करते थे, लेकिन आज के युग में चूल्हा जो है वो लुप्त होते जा रहे हैं और वो मिलता नहीं है, तो आप लकड़ियां जलाकर उसकी भस्म ले सकते हैं। इन दोनों को सम मात्रा में लेकर आपको इसकी एक रसायन बना लेनी है। इन दोनों को जब आप मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से तो ये एक रसायन बन जाएगी। अब जिस भी किसी इच्छित व्यक्ति के सिर पर ये थोड़ी सी एक चुटकी आपने डाल दी तो समझिए वो जन्म जन्मांतर तक आप ही का गुलाम बन के रह जाएगा। और ये आपको करना है छोटी इलायची पर। इसको आप किसी खाने में भी खिला सकते हैं, अगर खाने में ना खिला पाएं तो उसके सिर पर डाल सकते हैं। ऐसा करने से सामने वाला आपसे वशीभूत हो जाता है और आपकी हर एक बात मानता है। ये सिद्ध प्रयोग है जो कि कोई लाखों रुपए देने पर भी आपको नहीं बताएगा, लेकिन इसका जो मंत्र है वो बड़ा ही गुप्त है। और यदि इसका गुम्फन सही से नहीं हुआ तो ये जो है अपना काम ठीक से नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको इसका गुम्फन सीखना होगा। मैं आपको इसकी तस्वीर दे दूंगा, अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। इस
मंत्र का गुम्फन सीखना बहुत आवश्यक है, और ये उन्हीं को मिलेगा जो कि इसका सामर्थ्य रखते हैं, जो कि साधना के क्षेत्र में है। तो मंत्र मैंने आपको दे दिया है, लेकिन इसका गुम्फन जो है वो आपको मिलेगा व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप कीजिए या फिर मेल कीजिए। मेरी मेल आईडी है info@mohiniwidya.com। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9992841625 पर। इसमें जो सावधानियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि इस साधना के समय में आपको किसी भी तरह का मादक पदार्थ प्रयोग में नहीं लाना है। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, इन सब से दूर रहें, सात्विक रहें, और ये जो साधना आपने प्रारंभ की है इसके बारे में किसी को ना बताएं। चाहे वो कितना ही घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, आपका कोई सखा हो, उसको भी इस साधना के बारे में ना बताएं। जब तक ये साधना फलित ना हो जाए, आपको इसका कुछ असर ना दिख जाए, तब तक किसी को भी इसके बारे में ना बताएं। क्योंकि जब तक आप इसका असर नहीं देख लेंगे, उससे पहले आपको अगर आपने किसी से ये बात बता दी तो आपका जो मोटिवेशन है उसको बहुत डाउन कर देंगे लोग, तरह तरह की बातें, जितने मुंह उतनी बातें। जब तक आप इसका असर ना देख लें तब तक इसके बारे में किसी को ना बताएं। और जैसे ही आपको इसका असर दिखे फिर तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कितनी जल्दी जो है इसने आपके काम बनाए, आपके बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए ये रामबाण औषध है। इसका दिन रहेगा शुक्रवार या फिर बुधवार, और इसको आपको नदी तट पर जाकर या नदी में आधा शरीर डुबोकर इस मंत्र का जाप करना है। आप किसी पहाड़ पर भी कर सकते हो, किसी गुफा में भी कर सकते हो, या फिर आप अपने घर में कोई ऐसा कमरा बना सकते हैं जिसमें कि आप इसका प्रयोग कर सकें। जैसे मैंने बताया, आपको 31,000 बार इस मंत्र का जाप करना है 15 दिनों में। ऐसा करने से ये सिद्ध हो जाएगा, और उसके बाद आपको इसकी रसायन बनानी है और किसी को भी खिलानी है, या फिर इसके सिर पे भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से जो इच्छित व्यक्ति है वो आपसे वशीभूत हो जाता है और आपकी सारी बातें मानना शुरू कर देता है। प्राचीन काल में इस मंत्र का प्रयोग पति पत्नी पर किया जाता था ताकि दोनों एक दूसरे की बातें माने, और आज के इस युग में भी यदि कोई मनमुटाव है, किसी भी तरह का तनाव है, तो इस प्रयोग को किया जा सकता है। और इसके जो परिणाम हैं ये आपको पहले ही दिन से दिखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसको सिद्ध करना अनिवार्य है। यदि सिद्ध नहीं किया और प्रोनाउंसिएशन में कहीं त्रुटि हो गई तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। इसकी पूरी जानकारी आपको मेल पर मिल जाएगी info@mohiniwidya.com पर, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9992841625 पर। किसी भी तरह की जानकारी के लिए कॉल कीजिएगा, और यदि कहीं पर कोई त्रुटि हुई हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो भी आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेम नंबर है 9992841625। धन्यवाद।